आज हम डबल कॉलम कैश बुक देखेंगे। ठीक है जी, डबल कॉलम कैश बुक को डबल कॉलम कहने का सिर्फ एक ही रीजन है कि जो अमाउंट का कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक हुआ करता था, अब यहां पर अमाउंट के कॉलम दो हो जाए। एक कॉलम जो है वो बैंक के लिए बनाया जाएगा और एक कॉलम किसके लिए बनाया जाएगा, कैश बुक। देखो सिंगल ये फिलहाल के लिए अभी सिंगल कॉलम कैश बुक ही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, है ना, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अब बस मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक और कॉलम ऐड करूंगा, ये भी अमाउंट के लिए ही है। इसके लिए अमाउंट, ये दोनों कॉलम किसके लिए है, अमाउंट के लिए। इसके वो मैं लिखूंगा, ये हो गया कैश के लिए और ये किसके लिए हो गया, ये हो गया कैश के लिए और ये हो गया बैंक के। दो कॉलम हो गए। अब एक एलएफ का कॉलम साथ में बनता है, वैसे तो उसका कोई यूज नहीं है लेकिन स्टिल हम उसे बनाकर छोड़ देंगे। नहीं नहीं ऐसे ही बना लो, सिंपल बन जाएगा नॉर्मल। समझ में आती है बात या नहीं? एक सेकंड रुक जाओ, एक कैश का कॉलम हो गया और एक बैंक का कॉलम, ठीक है ना। अब हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू डबल कॉलम कैश बुक को समझना शुरू करें। इसके थ्रू एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हम डबल कॉलम कैश बुक को समझना शुरू करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं, जब हम सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया करते थे तो अगर हमारे पास कैश इंक्रीज होता था, क्या होता था भाई, कैश इंक्रीज होता था, तो कैश जब इंक्रीज होता था तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे और कैश अगर डिक्रीज होता था तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते थे। लेकिन अब जब मैं डबल कॉलम कैश बुक पढ़ रहा हूँ, अब जब मैं आपको डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ कैश का इंक्रीज होना ही और कैश का डिक्रीज होना ही नहीं दिखाएंगे। अगर हमारे पास बैंक इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे भी शो करेंगे और अगर हमारे पास बैंक डिक्रीज हो रहा है तो हम उसे भी शो करेंगे। कैश डिक्रीज, तो दोनों ट्रांजेक्शन आएंगे, कैश के लिए अलग से बनाएंगे और बैंक के लिए अलग से बनाएंगे। कैश को डिक्रीज होता हुआ दिखाएंगे और बैंक को इंक्रीज होता हुआ दिखाएंगे। समझ आई बात या नहीं? अच्छा, अगर ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड है तो कैश कॉलम का यूज करेंगे और अगर ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड है तो बैंक कॉलम का यूज करेंगे। समझ में आती है बात या नहीं? अभी तो आप मुझे बुक खोल के दीजिए, कैश बुक चैप्टर नहीं करना। आपके पास बुक है और पेज नंबर 10.15, पेज नंबर 10.15, पेज नंबर 10.15, पी एस ग्रेवाल, इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 3। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक, टू कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक एक ही बात है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपके पास कुछ ट्रांजेक्शन दे रखी है जिसमें सबसे पहला आपको बोला हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कुछ पैसा आपके हाथ में है और कुछ पैसा आपका बैंक में, यानी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, कैश का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। और भाई देखिए, हमारे लिए कैश हो या बैंक हो दोनों ही एसेट है,
और एसेट का डेबिट बैलेंस कहाँ लिखा जाता है? डेबिट साइड पे। ओपनिंग बैलेंस किस साइड पे लिखा जाता है? डेबिट साइड पे लिखा जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2021 फर्स्ट मार्च टू बैलेंस ड्यूटी। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000। और बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 50,000। ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गया दोनों का। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। परचेज गुड्स फॉर कैश डिक्रीज हुआ। भाई देखो, मुझे हर ट्रांजेक्शन में दोनों चीजें नहीं होंगी। किसी में सिर्फ कैश हो सकता है, किसी में ट्रांजेक्शन में सिर्फ बैंक हो सकता है, और किसी में दोनों हो सकते हैं। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कैसी है भाई? कि कैश रिड्यूस हुआ है, तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं बैंक का कॉलम भी है यहाँ पर। मैं नॉर्मल इसको कंसिडर करूंगा। अगर कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे 2021 मार्च 3 बाय परचेजेस। हाँ जी, कितने से परचेजेस? सिर्फ कैश के कॉलम में रिड्यूस करें, क्योंकि कैश रिड्यूस हुआ है ना, तो कैश के कॉलम में लिख देंगे 6,000। समझ में आती है बात? आगे बढ़ते हैं। मार्च 5 ये ट्रांजेक्शन बढ़ गया। डिपॉजिट बैंक डिपॉजिटेड इन बैंक ₹5,000। आपने कैश को बैंक में जमा किया। अच्छा, कैश तो डिक्रीज हुआ है लेकिन बैंक इंक्रीज हुआ। अच्छा, कैश जब डिक्रीज होता है तो आपको कैश के कॉलम में क्रेडिट करना पड़ता है, और बैंक इंक्रीज हुआ है तो बैंक का कॉलम को डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, जैसे मार्च 5 मैं भूल जाता हूं कि मैं डबल कॉलम बना रहा हूं। पहले आपका फोकस ये होना चाहिए। सोचो मैं सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं। किसकी? कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और यहां पर आपका कैश क्या है? घटा है। और घटा है तो आप कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड पर। तो आपने लिख दिया बाय बैंक। कितने से? 5,000। भूल जाओ बैंक का कोई कॉलम भी, कैश का काम हो गया। हाँ जी, कैश का काम हो गया। अब आते हैं, अब ये भूल जाओ कि आप कैश का कॉलम भी बना रहे। आप ये सोचो कि सिर्फ ये बैंक अकाउंट है। क्या है भाई? और बैंक में अगर पैसा जमा हुआ है तो बैंक इंक्रीज हुआ है, और अगर बैंक इंक्रीज हुआ है तो कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 मार्च को ही। अच्छा, किसकी वजह से बैंक इंक्रीज हुआ है? कैश की वजह से। तो यहाँ लिखेंगे 2 कैश अकाउंट। कितने से? 5,000। बैंक के कॉलम में लिख देंगे हम, क्योंकि बैंक बनाना है ना हमें, सही कॉलम चुनना है हमें। अब देखो, जब कैश बुक में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं, क्या बोला मैंने, जब कैश बुक में कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं तो उसे कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। जब कैश बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? कॉन्ट्रा एंट्री। तो आप यहां पर क्या करेंगे, जो एलएफ वाली जगह है ना, यहां पर लगा देंगे सी, और इधर भी लगा देंगे। समझ आती बात? जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, हाँ जी, क्या बोला मैंने, जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ऐसी एंट्री कैश बुक में क्या कहलाती है? कॉन्ट्रा एंट्री। फटाफट से देखो, 1 मार्च को क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया भाई। कैश का ओपनिंग बैलेंस कैश के कॉलम में, बैंक का ओपनिंग बैलेंस बैंक के कॉलम में। दूसरी ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फॉर कैश कितने से? 6,000। तो बताइए उसमें, इस ट्रांजेक्शन में बैंक का कोई लेना देना है? नहीं है। और बैंक का कोई लेना देना नहीं है तो आप ऐसे भूल जाओ जैसे बैंक का कॉलम बनाते ही नहीं आप। बस आपको क्या करना है? कैश को रिड्यूस करना है, और कैश को रिड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? क्रेडिट करना पड़ता है। आपने लिखा बाई परचेजेस, कैश के कॉलम में 6,000 रुपए। अगले ट्रांजेक्शन में आपने कहा भाई बैंक में कैश जमा कर दिया। अब आप कैश और बैंक दोनों कॉलम बना रहे हैं तो आपको दोनों कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा भाई। कैश तो हुआ है डिक्रीज और बैंक हुआ है
अब कैश डिक्रीज हो रहा है तो कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कैश वाले कॉलम को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपने कैश को क्या किया, डिक्रीज कर दिया क्रेडिट करके, कैश के कॉलम में क्रेडिट कर दिया ना, किसकी वजह से, बैंक की वजह से। लेकिन इसी ट्रांजेक्शन के अंदर बैंक इंक्रीज भी हो रहा, तो बैंक को बढ़ाने के लिए बैंक को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो आपने डेबिट साइड पर लिखा और बैंक के कॉलम को 5000 से बढ़ा दिया। लेकिन एक ट्रांजेक्शन जहां पर कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं कैश बुक के अंदर, उस ट्रांजेक्शन को क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा एंट्री। क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रा। और इसीलिए मैंने ये जो LF वाला कॉलम है वहां पर क्या लगा दिया, सी, सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। समझ आती है बात नहीं, ये वही वाला सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 8 कैश सेल्स क्या इंक्रीज हुआ है, कैश। और कैश इंक्रीज हुआ है तो डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट। अगर दोनों चीजें हैं तो जाहिर सी बात है एक कॉलम घट रहा होगा और एक कॉलम, तो जिसका कॉलम बढ़ रहा है उसे डेबिट कर दो और जिसका कॉलम घट रहा है उसे क्रेडिट कर दो। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, पैसा निकाला बैंक से। अच्छा, पैसा बैंक से निकाल के पर्सनल यूज में ले आया या ऑफिस यूज में ही, यानी बिजनेस में ही पैसा है, ये ड्राइंग मत समझ लेना, पैसा बिजनेस में ही है, बस बैंक की जगह कहाँ ले आए, कैश में। तो बैंक घट रहा है और कैश बढ़ रहा है, तो भाई कैश के कॉलम को बढ़ाना पड़ेगा और बैंक के कॉलम को, और कैश के कॉलम को बढ़ाया जाता है डेबिट करके और बैंक के कॉलम को बढ़ाया जाएगा क्रेडिट करके। पहले बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। चलिए, 10 मार्च है, टू बैंक। हाँ जी, कैश क्यों बढ़ रहा है, बैंक की वजह से, कितने, 2000। और घट क्या रहा है, हाँ जी घट क्या रहा है, कैश घट रहा है, बैंक घट रहा है बेटा। बैंक से पैसे निकाले ना, बैंक से पैसे निकाले और कैश की फॉर्म में लेकर आ गए, तो बैंक के कॉलम को घटाएंगे और कैश के कॉलम को बढ़ाएंगे। समझ आई बात, ये देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप लिखो बाद में, अमाउंट पहले लिख लो। सबसे बढ़िया तरीका बताऊं क्या होता है, दोनों एंट्रीज का, दोनों एंट्रीज का सबसे बढ़िया तरीका होता है पहले ना अमाउंट लिख लो। क्या लिख लो, मतलब जब कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व हो रहे हो ना, तो अमाउंट लिख लो। बताओ कैश जब आप निकाल के लेकर आए, जब आप क्या निकाल कर आए, कैश, तो पहले आपने क्या किया, कैश इंक्रीज हो गया तो कैश के कॉलम को लिख दिया 2000 से डेबिट, और बैंक डिक्रीज हुआ तो बैंक के कॉलम को क्या लिख दिया, क्रेडिट। अच्छा, बैंक घटा है तो किसकी वजह से घटा है, कैश की वजह से, तो वहां क्या लिख देंगे, बाई कैश अकाउंट। समझ आती है बात, ये। और अगर कैश बढ़ा है तो किसकी वजह से बढ़ा, बैंक की वजह से, तो वहां क्या लिख देंगे, हाँ जी टू बैंक अकाउंट। क्या लिख देंगे, समझ में आती है, ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम बताइए, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी और उसे 100 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, अरे भाड़ में डालो डिस्काउंट, कैश मिला किससे, दामिनी से, तो कैश के कॉलम को बढ़ा देंगे, कितना मिला भाई, 3000। कितना, किस डेट को, 12 मार्च। रिसीव्ड चेक फ्रॉम निमरत, हाँ जी इस बार चेक मिला है, क्या मिला है भाई, चेक, और चेक मिला है तो डेबिट ही करना पड़ेगा, लेकिन कॉलम किसका पड़ेगा, बैंक का, टू निमरत। कितना, 2000। इस डेट पे ये मजेदार है, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक, क्या मिला, पोस्ट डेटेड चेक फ्रॉम दीपक फॉर 5000। अच्छा, आपको पता पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब होता है, अरे पोस्ट डेटेड चेक का भूल जाओ, कैशबुक पैशबुक बाद में बात करें, पहले जरा एक नॉलेजेबल बात करते हैं। भाई चेक किस लिए इस्तेमाल होता है,
पेमेंट करने के लिए, किसने क्या करने के लिए आपको पता चेक पे क्या लिखा होता है पे, ठीक है ना, जिस बंदे को पे करना है उसका नाम लिख दो और जितना अमाउंट पे करना है वो अमाउंट, समझ आती है बात या नहीं आती, और अपना सिग्नेचर कर। अब जिस बंदे को आप ये चेक दोगे वो ये इस चेक को जाकर अपने बैंक में क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा, क्या करेगा, और आपके बैंक से पैसे घटेंगे और इसके बैंक में पैसे आ जाएंगे। चेक जमा कराने से जिस बंदे को आपने चेक दिया वो जाकर चेक अपने बैंक में जमा कराएगा और जिसने चेक दिया है उसके बैंक से पैसे घट जाएंगे और आपके बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। हाँ जी, समझ आती है बात या नहीं आती, अरे बताओ ये तो बताओ, ये बात समझ आती है नहीं आती? Yes, sir. अब होता क्या है कि मान लो भाई इशिता ने चेष्टा को एक चेक दिया, ठीक है, इशिता ने चेष्टा को क्या दिया भाई, एक चेक दे दिया। बात तो सुन, अब इशिता के बैंक में पैसे थे नहीं इस वक्त, अब चेष्टा इतनी ज्यादा एक्साइटेड चेक को जाकर फौरन जमा कर दिया बैंक में। अब बैंक वाले जाकर इशिता के बैंक से कहते हैं लाओ जी आपके जो बैंक अकाउंट होल्डर है उन्होंने हमारे अकाउंट होल्डर को क्या दिया है, चेक दिया है, तो आप उनके अकाउंट से पैसे काटकर हमें हमें पैसे दे दीजिए ताकि हम उनके अकाउंट में पैसे बढ़ा सके। लेकिन इशिता के अकाउंट में उसका फंड फेल, तो चेक देना क्या हो गया, एक तरीके से वेस्ट हो गया, समझ में आती है बात या नहीं? और इसी को कहते हैं चेक का डिसऑनर होना, क्या कहा जाता है, जिसे आप लोग जनरल भाषा में सुनते हो चेक बाउंस हो गया, चेक तो काट के दे दिया लेकिन पैसे थे ही नहीं अकाउंट में, तो ना ही उसके अकाउंट से पैसे कट पाए और जिसको चेक दिया था उसके अकाउंट में पैसे बढ़ नहीं पाए, इसे कहते हैं चेक डिसऑनर। क्या कहते हैं इसे, चेक डिसऑनर, समझ आई बात? यहाँ पर चेक बाउंस नहीं कहा जाता, क्या कहेंगे हम, चेक डिसऑनर, समझ आती है बात या नहीं? इसीलिए अब इशिता की उसमें कोई खास गलती नहीं थी, असल में उन्होंने जैसे चेक दिया उन्होंने फौरन जमा करा दिया, ठीक है, अब ना गलती इनकी है ना गलती उनकी, असल में पैसे आने थे तीन चार दिन बाद, पैसे आने थे तीन चार दिन बाद। अब अगर वो तीन चार दिन बाद जाकर चेक को जमा कराती तो पैसे शायद अकाउंट में मिल जाते और आसानी से ट्रांसफर हो जाते। अब इन्हें क्या करना चाहिए था, इन्हें चेक पे एक डेट डालनी चाहिए, क्या करनी चाहिए थी, ताकि उस डेट से पहले इनका चेक बैंक में जमा ही ना हो पाए, यानी जिस दिन आपको लगता है आपके बैंक में पैसे अवेलेबल होंगे उस दिन की चेक आप डेट, उस दिन की डेट आप चेक पे डाल दो, और ऐसे ही चेक को कहा जाता है पोस्ट डेटेड चेक, क्या कहा जाता है, पोस्ट डेटेड चेक, यानी पोस्ट का मतलब होता है आगे की बात, पोस्टपोन्ड कहते हैं ना आगे बढ़ गई कोई चीज, तो पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है कि अगर आपने चेक काट के दे भी दिया तो आप बैंक में जाकर जमा कराओगे तो कोई फायदा उसका नहीं होने वाला, समझे कि नहीं समझे। अब आप अपने क्वेश्चन में देखिए, आपको भी एक पोस्ट डेटेड चेक मिला है और उसकी डेट कब की है, 23 मार्च कब की है, और आपको ये चेक किस दिन मिला है, मार्च 18 को, कब मिला है भाई, मार्च 18, समझे कि नहीं समझे, कब मिला, मार्च 18, और मार्च 18 को आपको अगर ये चेक मिला तो इस बंदे ने उस दिन जाकर इसे बैंक में जमा नहीं कराया होगा, समझ आई बात ये नहीं, इसने जमा कराया है 23 तारीख को, नीचे ट्रांजेक्शन पर चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, समझ आई बात या नहीं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक, समझ आती है बात या नहीं आती, जिस दिन जाकर जमा कराया उसी दिन आप अपने बैंक अकाउंट को बढ़ाएंगे, यानी जो 18 मार्च को चेक रिसीव हुआ है आप उसे करेंगे इग्नोर और जिस दिन चेक जमा कराया है उस दिन आप अपने बैंक को बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस दिन चेक मिला था उस दिन तो बैंक में पैसा बढ़ ही सकता था ना, क्योंकि पैसा मिलता ही नहीं उस दिन, जिस दिन चेक को एक्चुअल में जाकर जमा कराओगे उस दिन आपके बैंक कॉलम में पैसा इंक्रीज होगा, समझ आती है बात या नहीं आती, इज देयर एनी प्रॉब्लम, समझे कि नहीं समझे। आज बीआरएस में अभी और बातें समझनी होंगी इसीलिए अभी छोटी छोटी बातों को समझते हुए चलो, जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो वहां चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो इसलिए जितना समझा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनते हो, समझ आती है बात या नहीं। तो मार्च 18 को क्या हम कोई एंट्री डालेंगे बैंक कॉलम में, नहीं डालते, एंट्री कब डालेंगे, मार्च 23 जिस दिन चेक एक्चुअल में जमा करा, 23 मार्च को हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा लिखेंगे क्या, हाँ जी चेक इन हैंड लिखेंगे, चेक इन हैंड। अब सर सवाल बच्चे पूछते हैं कि जिस बंदे ने चेक दिया
आपने उसका नाम क्यों नहीं लिखा? हाँ जी बच्चे क्या पूछते हैं भाई, जिस बंदे ने चेक दिया आपने उसका नाम क्यों नहीं लिखा? जैसे ऊपर निम्रत था, निम्रत ने आपको चेक दिया था तो आपने निम्रत को डेबिट किया था, क्योंकि निम्रत आपका डेटर था ना, उसने पेमेंट कर दी आपको, तो पेमेंट कर दी तो आपका जो डेटर था वो रिड्यूस हो गया और बैंक इंक्रीज हो गया। समझ आई बात या नहीं? अब यहां पर आपने जिस बंदे, यानी कौन है, दीपक है, सॉरी चंदर है, हाँ दीपक है, दीपक ने जो आपको चेक दिया आपने दीपक का नाम क्यों दिया? असल में बच्चे देखो होता क्या, अच्छा मुझे ये बताइए, मैं आपको एक ऐसी एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जब भी आप सेल करते हैं तो सेल को इनकम है, आप इनकम को क्रेडिट करते हैं, बताइए हाँ या ना, इनकम को क्रेडिट करते हैं नहीं करते? अगर आपको पैसा मिल गया कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू तो आप कैश या बैंक को डेबिट कर देते हैं, हाँ जी बताइए हाँ या ना, जब आपको अगर पैसा मिल गया तो आप कैश या बैंक को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा नहीं मिला तो आप कैश या बैंक की जगह डेबिट किसे करते हैं? डेटर को। किसको डेबिट करते हैं? डेटर को। क्योंकि पैसा आपको कैश या बैंक की फॉर्म में मिलना था तो कैश या बैंक डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपको पैसा मिला नहीं तो कैश या बैंक वाला एसेट तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो आप उसकी जगह किसे डेबिट करते हैं? डेटर को। जिस दिन आपको डेटर पैसा दे देता है उस दिन आप डेटर को क्रेडिट कर देते हैं, और कैश या बैंक जो एक्चुअल में क्रेडिट होना चाहिए आप उसे डेबिट कर देते हैं। समझ में आती है बात या नहीं आती? डेटर क्यों डेबिट हुआ हुआ था यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर कैश या बैंक डेबिट होना था, लेकिन पैसे आए नहीं थे तो कैश या बैंक की जगह किसे डेबिट किया था? डेटर को। जिस दिन पैसे आ गए तो आपने कहा चलो भाई डेटर अपनी जगह से डेबिट क्या होना चाहिए? कैश या बैंक होना चाहिए। तो ये पैसे रिसीव होने की एंट्री होती है। क्या होती है? पैसे रिसीव। मान लो अगर डेटर से डायरेक्ट पेमेंट आ जाए इसके थ्रू, चेक के थ्रू, तो आप क्या कर देते हो? डेटर को क्रेडिट कर देते हो और बैंक को डेबिट कर देते हो। इसीलिए जब भी आपको आपके डेटर से पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट को तो आप क्या करते हो? डेबिट। और किसकी वजह से करते हो? डेटर की वजह से। समझ आई बात या नहीं? इसीलिए जब भी आप यहाँ पर बैंक के कॉलम में कुछ भी इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? दामिनी। क्या लिख रहे हैं? निम्रत। क्योंकि पहले डेटर डेबिट था, जब पैसे मिल गए तो डेटर क्रेडिट हो गया और पैसे डेबिट हो गए। समझ आई बात या नहीं? लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब आपको डेटर से चेक मिला, जब आपको डेटर से क्या मिला, एंट्री तो यही डली हुई थी, डेटर डेबिट टू सेल्स, लेकिन जब आपको डेटर से चेक मिला उस चेक के बदले आपने डेटर को क्रेडिट किया, क्योंकि पेमेंट तो उसने कर दी, डेटर को आपने क्या किया? क्रेडिट। लेकिन बैंक को मैं डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि पैसे अभी तक बैंक में इंक्रीज, तो मैंने किसको डेबिट कर दिया था? चेक इन हैंड। किसको डेबिट कर दिया था? चेक इन हैंड। समझ आई बात या नहीं? मैंने अपना एसेट किसे मान लिया था? उस चेक को मान लिया था। किसे मान लिया था? बैंक को भी नहीं बढ़ा सकता था क्योंकि बैंक में पैसा गया ही नहीं अभी तक। जिस दिन चेक जमा किया उस दिन चेक इन हैंड को क्या किया? क्रेडिट। और बैंक को क्या किया? समझ आती बात या नहीं? इसीलिए जब बैंक डेबिट हो रहा है चेक की वजह से, चेक डिपॉजिट होने की वजह से, तो मुझे क्या लिखना पड़ रहा है? चेक इन हैंड। समझ आती बात या नहीं? बैंक किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? चेक इन हैंड। चेक उसी दिन मिलता, उसी दिन जमा कर देता तो चेक इन हैंड जैसा कोई अकाउंट में ओपन करता ही, मैं डायरेक्ट क्या लिख देता? टू डेटर। क्या लिख देता? या डेटर का नाम। लेकिन चेक रिसीव होने में और चेक जमा होने में अगर टाइम पीरियड आ जाता है तो उस वक्त मुझे क्या डेबिट करना पड़ा? चेक इन। और अभी मैंने आपको उसका रीजन समझाया कि वो ऐसा क्यों है। समझ आती है बात या नहीं आती? बताइए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च तक ट्रांजेक्शन हो गए हमारी, आगे बढ़ते हैं। 14th मार्च को आपने चेक इशू किया। क्या किया है? इशू। 24 को चेक इशू। इशू का मतलब क्या होता है? किसी को चेक दिया। किसी को चेक दिया तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। और पेमेंट कर रहे हैं तो उससे बैंक बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। हाँ जी, अगर किसी को पेमेंट करी है, चेक दिया है, तो उससे बैंक बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। और घटेगा तो किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे किसको पेमेंट कर रहे हैं, जरा देखना। हाँ जी, चंद्र को। कितनी पेमेंट है? 2500। ठीक है जी, आगे देखते हैं। withdrew from bank for personal use, personal use के लिए निकाला।
और पैसे कहां से निकाले? बैंक से। तो ये क्या हो गई ड्रॉइंग्स भाई। बैंक से निकाले तो कौन सा कॉलम घटेगा? बैंक का। बाय ड्रॉइंग्स कितने से? 1500। ठीक है। सोल्ड गुड्स टू अशोक मित्रा। अजी पहले तो मुझे बताओ सेल हुई है, कैश में पैसा आया बैंक में पैसा आया? नाम दिया हुआ है पार्टी का, और पार्टी का अगर नाम दिया हो और कुछ भी ना बताया हो कैश या बैंक, इसका मतलब उधार पे सेल हुई है। इसको ये उधार, पार्टी का नाम दिया हुआ है ना भाई, और ना बताया हुआ है कैश में हुई है ना, और मैंने बताया था जब कुछ भी मेंशन ना हो और साथ में पार्टी का नाम, तो हम किस में मानकर चलते हैं कि सेल हुई है? उधार में, क्रेडिट में। सर कुछ भी नहीं दिया हुआ कैश या बैंक में और ना पार्टी का नाम है, तो उस सिचुएशन में हम मानते हैं कि पैसा किस में मिला होगा? कैश में। समझ आई बात? नहीं तो भैया ये उधार की सेल है, और उधार की सेल ना ही कैश को बढ़ाने की ना घटाने, ना ही बैंक को बढ़ाने वाली ना घटाने वाली, तो इस ट्रांजेक्शन को हम यहाँ क्या करेंगे? कंप्लीटली इग्नोर। समझ आती है बात या नहीं? अगली ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। हाजी कैश में खरीदा है बैंक से खरीदा है, पार्टी का नाम दिया हुआ है, तो उधार में खरीदा है। इसमें खरीदा है उधार में, और उधार में खरीदा है तो ना ही कैश जाने वाला और ना ही बैंक जाने वाला, तो इसे भी यहाँ क्या करेंगे? इग्नोर। आगे रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक मित्रा। आपको अशोक मित्रा से चेक मिला कितने का? 2000 का, और आपने उसे कहाँ जाकर जमा कर दिया? बैंक में, उसी वक्त जमा कर दिया, तो बैंक इंक्रीज हो जाएगा टू अशोक मित्रा कितने से? 2000। सारी ट्रांजेक्शन पूरी हो गई मेरी? बताइए सारी ट्रांजेक्शन हो गई पूरी? अब सर लास्ट काम बच गया, और वो है बैलेंसिंग करना। क्या करना? बैलेंसिंग। चलो भाई एक चीज मुझे मालूम है कि कैश का जो डेबिट साइड है वो हमेशा मेरी क्रेडिट साइड से ज्यादा ही होगा, तो पहले मैं कैश की साइड, भाई देखो बैलेंसिंग जब करो ना तो दोनों को अलग अलग करेंगे, पहले कैश का अलग बैलेंस निकालेंगे और बैंक का। आप बस जब बैलेंसिंग कर रहे हो ना तो एक वक्त पर एक कॉलम पर फोकस करें, भूल जाइए कि बैंक का कॉलम यहाँ बना हुआ भी है, भूल जाओ बिल्कुल, जानते ही नहीं क्या, सिर्फ कैश के कॉलम पे फोकस करो। 15,000, 25,000, 30,000 टोटल कितना हुआ, यानी कितने का कैश आया? 30, और कितने का कैश गया? 19 का। कितने का कैश गया? सॉरी 11 का। तो कितना बैलेंस बच गया भाई? बैलेंस सीडी कितने का बैलेंस बच गया भाई? 19,000। ठीक है जी, कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ? 19,000। ये लास्ट डे पर होता है बैलेंस, 19,000। ठीक है जी, हो गया। अब देखूं तो मुझे, अगर मैं बैंक के कॉलम को देखूं तो भी मुझे डेबिट साइड ही ज्यादा लग रही है। 50,000, 55,000, 60,000, 64,000, 64,000। ठीक है जी, क्रेडिट देखेंगे 64,000, 2000, 2.5 और 1.5 कितना होता है? 4, और ये टोटल होता है 6, तो इसका बैलेंस कितना बचा? 58। इसका बैलेंस कितना बचा? 58,000। अच्छा ये जो इस बार बैलेंस सीडी है, अगले पीरियड में यही बैलेंस सीडी क्या बनेगा? बैलेंस बीडी। क्या बनेगा? बैलेंस बीडी। 19,000 का कैश इन हैंड और 58,000 का कैश एट बैंक। ठीक है ना, जैसे इस पीरियड के लिए ये बैलेंस बीडी था, ऐसे ही नेक्स्ट पीरियड के लिए अप्रैल मंथ के लिए यही चीज क्या बनेगी? बैलेंस बीडी बनेगी। समझ में आई बात? ये अभी ये क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है, अप्रैल मंथ में कहां पर आ जाएगी? डेबिट साइड, क्योंकि ये अभी क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट मंथ में यही बैलेंस क्या बनेगा? ओपनिंग बैलेंस। समझे कि नहीं समझे? इज दिस
clear to everyone? नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन फोर प्लीज सॉल्व कर अभी लो आप लोग खुद करेंगे इलस्ट्रेशन फोर कोई डाउट आता है मुझसे पूछो